हे एवरीवन, मैं हूँ बुलबुल और मेरे चैनल पे कस्बा बहुत चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मेरी ब्लॉग मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट कर दी है, तो टाइटल देख में आप लोग समझ ही गए हैं कि मैं घर चेंज कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ घर चेंज करने के लिए मैं थोड़ी बहुत मतलब तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं यहाँ पे अपनी ग्रॉसरी वाली जो बास्केट थी, अभी मेरी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत फिनिश ही हो रही थी, तो मैं सोची कि चलो खाली है इसको मैं क्लीन ही कर लेती हूँ, ताकि जो भी मुझे सामान थोड़े बहुत क्लीन करने की लगेंगे तो मैं क्लीन करती जाऊँगी। तो यहाँ मैंने आलू प्याज के भी सारे जो स्टैंड थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो और यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ अपने किचन में। तो मैं यहाँ पे किचन में आज कढ़ी बना रही हूँ और यहाँ पे बोटल गांठ की मैं भाजी बना रही हूँ। सबसे पहले बोटल गांठ की भाजी बना लूँगी और प्याज के पकोड़े बना लूँगी, थोड़े से नाश्ते में भी हो जाएंगे और कढ़ी में भी डाल दूँगी वही पकोड़े। तो एक साइड में मैंने दूध चढ़ा दिए हैं और एक साइड में मैं पकौड़े बना रही हूँ और दही बेसन सब मैंने घोल के ही रख लिए हैं, सारे चॉप करके अनियन वगैरह सब रख लिए हैं, फटाफट वो बना लूँगी। तो ये जो शिफ्टिंग की टाइम जो होती है बहुत ही मुश्किल काम हो गया अचानक से मेरी, मतलब ये घर खाली करने का मतलब ये कह लो कि मैसेज आ गया इनके बैंक से। तो काफ़ी मुश्किल काम हो रहा है ये घर शिफ्टिंग करने का, तो काफ़ी टेंशन हो रहा है, बट धीरे धीरे वो सब भी मैनेज कर लेंगे। तो अभी बस मैं थोड़ी थोड़ी इसी तरह से मतलब जो भी क्लीन का टाइम है मतलब करने के लिए हो रहे हैं वो सभी मुझे जहाँ जहाँ से भी दिख रहे हैं मैं करती जा रही हूँ, ताकि मुझे वहाँ जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से सारे चीज़ मैं क्लीन करके जाऊँगी तब मुझे दूसरे घर में शिफ्टिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे मतलब वहाँ पर सब चीज़ पोछ के रखती जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ पर आटा भी गूंद ले रही हूँ और पकौड़े भी तल रही हूँ, साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो सुबह का टाइम हो ही जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी तो मेरे मतलब एक्स्ट्रे काम बढ़ गए हैं। मैं अभी कहाँ से काम शुरू करूँ मुझे खुद भी आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि जिधर देखो उधर काम ही काम नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे तो पैकर्स वाले भैया आएंगे वही पैक करेंगे, बट फिर भी जो घर का मतलब जो होता है क्लॉथ वगैरह कपड़े उपड़े जो भी हैं मेरे तीन अलमीरे के, मैं सोच रही हूँ सारे मतलब मैं खुद से मतलब कपड़े वगैरह सब पैक कर लूँ, ताकि रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मेरी देखो कढ़ी में पकौड़े डाल रही हूँ, इस तरह दाब के मैं डालती हूँ तो पकौड़े, ताकि मतलब उसमें अच्छे से सॉफ्ट रहते हैं, कड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ मेरे कढ़ी भी बन जाएंगे। हे एवरीवन, आप लोग तो टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि ये घर क्यों खाली कर रही है। तो आप लोग को मैंने बताए थे पहले भी कि मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं, तो अभी हमारा मतलब यहाँ कर्नाटक आए हुए 1 ईयर भी नहीं हुए हैं, नेक्स्ट मंथ जुलाई में होंगे, बट अचानक से इनकी ट्रांसफर हो गई है। ये अच्छी बात है कि मतलब अदर स्टेट में नहीं दिए हैं, नियर बाय ही है, बट फिर भी हमारे घर से यहाँ पे एक सवा घंटा लग जाता है, तो डेली पॉसिबल नहीं होता है कि अप डाउन करके आप मतलब ऑफिस ये करो, बहुत मुश्किल हो जाती है, कभी लेट नाइट भी हो जाती है तो आने में काफी लेट हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो घर मतलब चेंज कर लेते हैं। तो वही अब मतलब शिफ्टिंग के नाम से टेंशन हो गई है, क्योंकि क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग घर की करो वहां तक तो फिर भी ठीक है, बट घर खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो मैंने थोड़े थोड़े काम स्टार्ट भी कर दिए हैं, पैकिंग वगैरह जो मुझे लग रहा है किचन की सामान कुछ क्लीनिंग करने की है, या जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब नहाने से पहले ही मैंने ग्रोसरी बास्केट जो थे उसको मैंने क्लीन कर ली है, जो जो मुझे धीरे धीरे लग रही है कि हाँ क्लीन करने लायक जो सामान है उसको मैं क्लीन यहीं पे कर लूंगी, ताकि मुझे वहां जाने के बाद मतलब मुझे ज्यादा क्लीन करने की जरूरत ना पड़े, और जैसे ही मैं जाऊं वहां पे सारे सामान मतलब मैं शिफ्ट कर दूं, मुझे ज्यादा मतलब डस्टिंग या सब या क्लीन करने की जरूरत ना पड़े। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी पैकिंग ये सब भी करना स्टार्ट कर दूंगी। तो बस यही सब है, बहुत टेंशन हो गई है शिफ्टिंग का मतलब लेके काम एक्स्ट्रा बढ़ गए, मतलब बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है कि इतने सारे सामान लेके फिर से दूसरे घर में शिफ्ट करो। और यहाँ पे देखो 1 ईयर हमारा कम्प्लीट ही होने वाला था, हम लोग यहाँ पे सेट हो गए थे बहुत अच्छे से, अब सेट हो गए थे बहुत अच्छे भी, मतलब यहाँ का सारा चीज मतलब अच्छा लगने लगा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि मेरे बच्चे की एडमिशन भी हो गई थी स्कूल में, वो स्कूल भी जाना स्टार्ट कर दिया था, तो बच्चे लोग को तो बहुत ही मतलब होता है ना, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि टीचर से भी अटैचमेंट हो गई, उसकी अलग एक ग्रुप बन गई, तो वो सारे चीज अब फिर से मतलब उसको चेंज करने पड़ेंगे, वहां जाऊंगी तो अलग ही स्कूल में फिर से एडमिशन कराओ, उसकी सर्किल फिर अलग बन जाएगी, तो बस यही सब टेंशन चल रही है। तो अभी मैं जा रही थी, मेरे हस्बैंड को मतलब जल्दी जल्दी मैंने अभी खाना बना के दिया, वो रिलीव भी हो गए बैंक
मिली है और ये ड्राई फ्रूट, तो मैं वही अभी बैग वो निकाल रहे थे तो बैग में से निकाल के यहीं पे रख दिए। मैं सोची कि चलो आप लोग को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग घर देखो चेंज करने वाले, देखो अब कब कर पाते हैं, क्योंकि आसान बात नहीं है कि तुरंत मतलब ट्रांसफर हो या घर चेंज कर लो, क्योंकि घर भी ढूंढना मुश्किल होता है, हर चीज़ देख के करना पड़ता है, तो देखते हैं कब खाली करना पड़ता है। लेकिन ये तो फाइनल है कि घर मतलब चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैंने किचन ग्रोसरी वाले जो बास्केट वॉश किए थे वो सूख गए हैं, तो मैं यहाँ पे सारे किचन की ग्रोसरी मेरे ज़्यादा अभी नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं फिर मैं उसमें रख दूँगी। और अभी मैं जानबूझ के किचन ग्रोसरी नहीं ले रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है अभी लेके फिर स्टॉक करना, तो अभी मेरे जितने हैं उसी से मैं काम चला रही हूँ, और अगर कुछ घट भी रहे तो मैं थोड़ी बहुत ही ले रही हूँ ताकि यहीं पर मतलब फिनिश हो जाए, और जो थोड़ी बहुत बचे मैं उसको लेके जाऊँ स्टॉक ना करूँ, तो मैं वहाँ जाने के बाद ही मंथली ग्रोसरी स्टॉक करूँगी। तो अभी जितने हैं उसी पर मतलब मैं अरेंज करके रख दूंगी, ताकि पैकेट्स वाले भैया आएंगे तो इसी के साथ ही मतलब उसको पैक करके लेके चले जाएंगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बस थोड़े बहुत ही सामान है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो इसको वॉश कर दूंगी, तो मेरी टेंशन नहीं रहेगी कि फिर वहाँ जाके मुझे क्लीन करनी है। तो इसी तरह मतलब जो भी है तो मैं यहाँ पे मतलब जो भी मुझे किचन के क्लीन करने के लिए और डब्बे वब्बे लगेंगे तो मैं साथ में वो भी क्लीन करती जाऊँगी। और इस तरह के मेरे पास क्लॉथ बैग है, तो मैं अभी सारे बेडशीट पुराने नए जो भी हैं एक में करके रख दूँगी, ताकि मतलब मुझे वहाँ जाने के बाद अगर अलमीरे में इस तरह भी रख दूँगी तो मतलब अच्छे से अरेंज रहेंगे, और जब मैं मुझे बाद में टाइम मिलेंगे तो मैं अच्छे से इसे निकाल निकाल के रख दूँ। इस तरह के क्लॉथ बैग मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैं सोच रही हूँ तीनों अलमीरे के कपड़े इसी तरह के बास्केट में क्लॉथ बैग में मैं रख दूंगी, ताकि मुझे मतलब रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ निकालने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और सब में मतलब मार्केट से लिख दूंगी किस में कौन से कपड़े हैं, कौन से अलमीरे के कपड़े हैं, तो मुझे वहाँ खाली करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो इस तरह के बैग में मेरे पास जितने भी मतलब मेरे और हस्बैंड के जो नए कपड़े थे जो मतलब पहने अभी नहीं हुए हैं, तो वो सब रख दूंगी और उसमें मार्कर से लिख दूंगी कि इसमें कौन से नए कपड़े हैं या बेडशीट है या कौन सी मतलब पुराने कपड़े हैं या नए कपड़े, सब इसी तरह मैं क्लॉथ बैग में अरेंज करके रखूंगी ताकि मुझे वहाँ जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसी तरह से आप लोग को छोटी छोटी क्लिप दिखाती रहूँगी मैं किस तरह से पैकिंग कर रही हूँ, और आप लोग को मतलब दिखाती रहूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँ, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, छोटी छोटी क्लिप मैं आप लोग से शेयर करती रही हूँ करूँगी। आई होप आप लोग को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।